अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या कहा? तुम्हारे जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा है। पपारो ने कहा है कि तुम्हारा पार्टी में आना बहुत जरूरी है। हारा मनोहर, और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं पार्टी में जाऊं या ना जाऊं। एक मन कहता है कि जाऊं और जाकर सुनूं कि वो क्या कहना चाहती है, और एक मन कहता है कि अरे करण बबुआ, तुम मन की इतना क्यों सुनते हो? मन तो बड़ा चंचल होता है। तुम सिर्फ राम मनोहर की सुनो। तुम पार्टी में जरूर जाना और अपने जन्मदिन का जश्न जरूर बनाओ। और रही उस पारो की बात, रातों रात मैं उसको तुम्हारी जिंदगी से कैसे दूर करता हूं, तुम बस देखते जाओ करण बबुआ। लेकिन उसके पास जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें तस्वीरें क्या, कुछ ना है वो तस्वीरें। वो झूठा जाल फेंक रही है और तुम जो हो उसके अंदर फंसते जा रहे हो। एक बात सुनो, राम मनोहर के होते हुए तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत ना है। जाओ ऐश करो पार्टी के अंदर। पारो को मैं हवेली से तो क्या, तुम्हारी जिंदगी आराम से वहां रख देना। अरे सुनिए, आपको याद तो रहेगा ना बाजार से पार्टी के लिए क्या क्या लेकर आना है, वरना ये लिस्ट साथ ले जाइए। नहीं, तुम्हारे सिवा और कुछ याद कहाँ रहता है मुझे। भी चलो ना मेरे साथ। अच्छा, अगर हम भी चलेंगे तो यहाँ पर घर पर बाकी का काम कौन करेगा? जाइए। अच्छा ठीक है ठीक है, वॉलेट तो ले लूँ अपना। इतनी तैयारियां कर रही हो मेरे जन्मदिन की पार्टी की, तो ये भी बता दो कि तुम अपने एक्स पति और पहले प्यार को उसके जन्मदिन पर क्या तोहफा देने वाली। बस कीजिए करण जी, ये ताने देना बंद कीजिए। क्यों आप अपने मन की शांति को भंग कर रहे हैं? अपने दिल से कड़वाहट को निकाल कर अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचिए। भगवान ने आपको खुशियों का और प्यार का एक नया तोहफा दिया है। पारो जैसी अच्छी लड़की को उन्होंने आपकी जिंदगी में भेजा है, उसके साथ अपनी आने वाली जिंदगी की एक नई शुरुआत कीजिए करण जी। नहीं, मैं आज भी सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं, और वो पारो मेरी पत्नी नहीं है, और पत्नी हो भी या नहीं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। देखिए करण जी, आपके पारो के और खुद के रिश्ते को नकारने से खत्म तो नहीं हो जाएगा ना। आपका अतीत आपका आज बनकर आपके सामने आ गया, और सच तो यही है ना कि आपने पारो से शादी की थी। आप चाहे इस बात को माने या ना माने, पर उसके पास इस बात का सबूत है। वो पारो और उसके सबूत तुमने ही। करण जी, हमारा विश्वास कीजिए, पारो के यहाँ आने से पहले कभी हमने उसे देखा भी नहीं था। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आपको आपका अतीत याद आ जाए, ताकि आप पारो के प्यार को पहचान सकें। क्या पता, शायद किस्मत आपको आपके जन्मदिन पर इस प्यार का ही तोहफा दे दे।
ये तो पार्टी के बाद ही पता चलेगा कि किसे क्या एहसास हुआ और किसे क्या तोहफा मिलेगा। अमेरिका गए हैं तब से मुझे भूल ही गए हैं, ना ही याद करते हैं ना ही फोन करते हैं। अब ये झूठा प्यार दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अपनी जान को भूल जाएं? हाँ, हम अपना सब काम छोड़कर तुम्हारे लिए ही तो आए हैं यहाँ। छोड़िए, आपको मेरा आइडिया कैसा लगा? औरतों के लिए हरा रंग और मर्दों के लिए नीला रंग, ये मेरा ही आइडिया था। मुझे तो तुम्हारी हर बात अच्छी लगती है जाने पर। पता नहीं करण अभी तक क्यों नहीं आया। कारोबार, तुम्हें सचमुच यकीन है बेटा कि करण आएगा? हाँ हाँ दादी माँ, हम पर विश्वास रखिए, वो जरूर आएंगे। पारो, अगर करण जी नहीं आए तो? उन्होंने हमसे वादा किया है, कैसे नहीं आएंगे, वो जरूर आएंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, देर से आने के लिए मैं सबसे माफी चाहता हूँ। जीते रहो बेटा, जन्मदिन मुबारक हो।